हेलो मेरे एमिंग हाई हिंदी की आर्मी, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो किस चीज से रिलेटेड है, इस वीडियो में मुझे कुछ आपसे शिकायतें करनी है, आपको भी कुछ सलाह देना होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो का टॉपिक यह है कि सिलेबस कब तक इंड होगा। कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ना ये कंफ्यूजन है और हम लोग का आगे क्या स्टेप होगा, और यह भी बहुत जरूरी क्लियर करना है कि सिलेबस कब तक इंड होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए कि आप लोगों में कई सारे स्टूडेंट्स में जब लाइव क्लास लेता हूं तो आकर पूछने लगते हैं कि सर सिलेबस कब इंड होगा। तो ये तो सही है, कुछ लोग स्टूडेंट्स, बोलना गलत होगा, कभी कभी स्टूडेंट्स नहीं होते, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उसका शिकार हो जाते हैं, उसकी बात अलग करूंगा। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसा एक ही कॉमेंट को जैसे कि लिख लिए कुछ निगेटिविटी बातें और उसको बार 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 चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, 10 कॉमेंट 15 कॉमेंट 20 कॉमेंट पेस्ट कर रहे हैं, तो समय ज्यादा नहीं है, तो वैसे करके वो चीजों को लिखते और उस तरह से स्पैमिंग टाइप का लगता है। तो ऐसे में मैं कभी कभी गुस्सा हो जाता हूं। देखिए पहली बात कीजिए, ऐसे लोग जो कॉमेंट करते हैं निगेटिविटी, वो जनरली स्टूडेंट नहीं होते हैं। जनरली जैसे आप कभी कभी तो स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जनरली केस में स्टूडेंट नहीं होते हैं, वो दूसरे लोग कोई आते हैं, आएंगे चैनल पे निगेटिविटी फैलाएंगे, उसके बाद फिर एक दिन के बाद कल होकर देखिएगा वो नजर नहीं आएंगे, तो वो ऐसा करते हैं। तो ऐसे में कई सारी बातें होती है जो बच्चे निगेटिव बातें लिखते हैं, मतलब लोग निगेटिव बातें भी लिखते हैं, उनसे मैं कहूंगा ऐसा नहीं कीजिए, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए। और मैं उन पे गुस्सा हो जाता हूं, स्टूडेंट्स पे गुस्सा हो जाता हूं, बेसिकली मैं स्टूडेंट पे गुस्सा नहीं होता, मैं उन लोगों पर गुस्सा होता हूं जो ऐसा काम करते हैं। और फिर ऐसा होता है ना कि वैसा काम जो करते हैं तो फिर माइंड में ये बातें आती है कि कभी कभी स्टूडेंट भी अगर सही कॉमेंट लिख रहा है तो ऐसा फील होता है कि वही लोग कर रहे हैं ऐसा, तो कभी कभी स्टूडेंट भी डांट सुन जाते हैं इसका। तो खैर इसको ज्यादा दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि देखो आप भी कई बार गलतियां करोगे चैनल पे पढ़ने के दौरान, क्योंकि एक साल हम लोग को पढ़ना है, तो हमें भी बुरा लग सकता है, कई सारी बातें लगता भी है। और या कभी मैं डांट दूं तो आपको हो सकता है तकलीफ हो उस बात का, तो आपको भी लगेगा, तो ये सब चीजें लगते रहेगी एक साल, ये सब टेंशन मत लीजिएगा। और जो बच्चों को अगर कभी कोई बच्चे निगेटिव कमेंट करते हैं, निगेटिव कमेंट तो नहीं होगा, बोलना गलत होगा, वो कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन उस कुछ लोगों के कारण जो निगेटिविटी फैलाते हैं उसके कारण कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चे वो निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो उनको मैं कई बार डांट भी देता हूं, तो ये सब चीजें लगी रहेगी, उसको दिल पे ज्यादा मत लीजिएगा, कभी आपको भी मेरे डांटने से तकलीफ हो जाएगा, या फिर कभी आप भी ऐसा कई बार हरकत करते हो, जैसे कुछ दिन बच्चों ने एक किया था, आप यूट्यूब पे लिख रहे थे किसी गर्ल्स को लेकर के, तो मैंने उनको डांटा था, तो कहीं मुझे भी तकलीफ हो सकता है। तो ये सब चीजें, एक साल का रिलेशन हम लोग का एमिंग हाई हिंदी आर्मी, तो एक साल का ये संबंध बना रहेगा, तो इसके ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। और जनरली केसेस में जो निगेटिव कॉमेंट करते हैं ये दूसरे लोग होते हैं, स्टूडेंट्स लोग नहीं होते हैं। तो ये बातें मैं इसलिए बोला क्योंकि आज एक बच्चों को डांट दिया, बाद में मुझे पता चला कि वो दूसरे लोग नहीं थे, वो स्टूडेंट थे, तो मुझे भी तकलीफ होती है आपके डांटने के बाद। ऐसा थोड़ी ना कि आप मुझसे अलग हो और मुझे तकलीफ नहीं होगा, मैं आपको बोलूंगा तो मुझे भी तकलीफ होती है, बट आपको अपनी स्टडी से मतलब रखना चाहिए। और ये कमेंट जनरली आता है सिलेबस को लेकर के, सर सिलेबस कब इंड होगा और आगे हम लोग का स्टेप क्या होगा और मुझे आपसे क्या शिकायत करनी है, वो भी मैं आपसे बात करूंगा अभी। देखिए क्या पहली बात तो स्टूडेंट्स ये है कि हमारा पूरा एम रहेगा कि जिस तरह से क्लासेस चल रही है, जैसे कि शुरू जब हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे तो हर एक 2-3 दिन के बाद इंटरनेट ही खत्म हो जाता था, इंटरनेट मतलब रुक जाता था, सडनली पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, खूब प्रॉब्लम के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए हम लोग, तो उस प्रॉब्लम तो खैर वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन फिर भी अगर जिस तरह से शेड्यूल्ड वे में लगातार जो सप्ताह में 6 दिन क्लास चल रहा है, अगर ये 6 दिन सप्ताह में क्लास चलते रहे तो मेरा मानना है कि अक्टूबर लास्ट तक सिलेबस खत्म होगा, या फिर प्रॉब्लम अगर मान लीजिए कभी प्रॉब्लम हो गया, कभी क्लास ले लिया और कोई दूसरे लोग निगेटिव लोग, स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स अगर कुछ लिखिएगा ना बड में और मुझे निगेटिविटी फील होगा, मुझे लगा निगेटिव है, आप लोग स्टूडेंट तो निगेटिव नहीं लिखते, आप लोग पूछते हैं, लेकिन जो शब्द है ना टेक्स्ट, उस टेक्स्ट से दिल की फीलिंग्स जया नहीं होती, बया नहीं होती बच्चों, कोई भी चीज आप लिख के ना अपनी फील नहीं बता सकते। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप खाना खाइएगा, समय रहना, या मैंने आपको बोला कि आइया आप मुझे बोल रहे हैं लिख के, ऐसे बोल रहे हैं मुझसे कि सर समझ में आया कि नहीं समझ में, सर आप पढ़ाएं तो समझ में नहीं आ रहा है सर, प्लीज बताइए ना, या सर समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है बताइए ना, तो एक ऐसे होगा, और इसी को ऐसे ही बोल सकता है, सर पढ़ा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है आप बताइए ना। तो ये जो दो तरह का जो टोन हुआ, ये टोन टेक्स्ट में फील नहीं हो पाता है, तो कभी कभी उन लोगों की गलती के कारण स्टूडेंट्स भी डांट सुन जाते हैं, बट इग्नोर कीजिए इसको, ये सब चीजें लगी रहेंगी। तो देखिए अगर जैसे आज क्लास लिया, आज बच्चों को बोल दिया, तो उसमें भी क्लास थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन अगर ये सब डिले नहीं होता और क्लास स्मूथली चलता है
तो मेरे ख्याल से हम लोगों का क्लास अक्टूबर में खत्म होगा। देखिए अगर अक्टूबर में खत्म हो जाएगा तो नवंबर दिसंबर जनवरी ये तीन महीना हम लोग क्रैश कोर्स करेंगे। और सुनिएगा ध्यान से, भागिएगा मत, लेकिन मैं मानकर चलता हूं और हमेशा मैं बोलते भी आया हूं कि 31 दिसंबर तक मान के चलिए कि अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा, सब चीज मैं ठीक रहा, तो 31 दिसंबर तक मैं क्लास आप लोगों का एंड कर दूंगा। 31 दिसंबर तक, समझ में आ रही बातें मैं क्या कर रहा हूं? तो 31 दिसंबर को अगर क्लास एंड, मतलब दिसंबर में क्लास एंड होता है, तो हम लोग जनवरी वगैरह जो महीना बचता है एग्जाम के पहले उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर अक्टूबर वगैरह में खत्म होता है तो क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे स्टार्ट करने का, भी तो बोल रहा हूं, देखिए आगे क्या होता है। तो अगर सिलेबस पहले खत्म हो गया अक्टूबर के लगभग तो हम लोग क्या करेंगे, क्रैश कोर्स पढ़ेंगे। दिसंबर में खत्म होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का, उसके बाद क्लास रखेंगे। तो ये तो बातें हो गई कि सिलेबस कब तक एंड होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि बीच में कभी ऐसी सिचुएशंस आ गई जिसमें मेरा तबियत वगैरह कुछ खराब हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इस ईयर के लिए, इस साल के लिए मैं जो लास्ट ईयर जो कोर्स लॉन्च किया था उस कोर्स को इस साल के बच्चों के लिए मैं फ्री में दे दूंगा। मतलब आप पता होगा कि मेरा कोर्स ऑलरेडी पहले से पूरा बना हुआ है, उस कोर्स को जब चाहूं मैं बच्चों को दे सकता हूं और वो काफी बेस्ट है, वो काफी बढ़िया कोर्स है, तो वो कोर्स मैं आपको दे दूंगा। तो आपको सिलेबस के लिए टेंशन पहली बात तो नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये बातें हो गई, लेकिन ऐसा ना हो कि ऐसा सिचुएशन आए, सिचुएशन हमेशा ठीक रहे, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं और आप भी स्वस्थ होकर हमेशा पढ़ाई करते रहें। कभी कभी क्लासेस भी बंद हो जाता है, तो कभी कभी क्लासेस भी जब बंद हो जाता है तो समझिए कि मैं भी एक इंसान हूं, मेरी भी फैमिली परिवार हेल्थ खराब होना अच्छा होना, मतलब मेरी शादी तो नहीं हुई है बट घर में और तो लोग है ना, तो लोगों से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन जब जितना बनेगा उतना क्लास रेगुलर लूंगा ही लूंगा। और इसके बाद आगे की अगर मैं बातें करूं तो अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखिए कैपेसिटर तो खत्म हो जाएगा, बचा उसमें कुछ नहीं है, तो कैपेसिटर तो सेकंड चैप्टर खत्म होगा। अब या तो मेरे माइंड में है कि फर्स्ट चैप्टर का दो क्लास में रिविजन करवा दूं, और दो क्लास में फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करवाने के बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यूट्यूब पे करवा दो, यूट्यूब पे नहीं करवाया है, और नहीं तो कम से कम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवा दो, ये कम से कम करवाओ, ये दिमाग में कहीं ना कहीं मेरा है। और फिर उसके बाद ये भी बातें दिमाग में है कि अगर वो हो जाएगा तो चैप्टर 3 स्टार्ट करूंगा, नहीं तो चैप्टर 3 स्टार्ट करूंगा। समझ लीजिए, फिर से सुनिए, चैप्टर 1 का या तो रिवीजन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, या तो चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाऊंगा, और नहीं तो फिर चैप्टर 3 स्टार्ट करूंगा। ये हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम लोग आगे क्या करेंगे। और तीसरी बातें क्या है, तीसरी बातें यह है मेरे स्टूडेंट्स कि आप, मैं आप लोग को 7 बजे रोज सुबह में, जो आपसे शिकायत कर रही है, रोज 7 बजे सुबह में कम्युनिटी टैब पे मैं क्वेश्चन देता हूं। देखिएगा कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन होता है जिसमें आप लोग को एबीसीडी क्लिक करने वाला आता है चैनल के अंदर, और आप लोग क्लिक भी करते हैं। लेकिन मुझे एक बात का काफी तकलीफ हुआ और आपसे शिकायत भी है कि मैंने क्वेश्चन उसमें था कि अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए तो फोर्स क्या होगा, हाफ होगा, 1/4 टाइम होगा, 4 टाइम होगा, क्या होगा। तो उसमें मतलब आप समझ के चलो कि मात्र 20% से कम ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया। इतना छोटा सा कि डिस्टेंस हाफ करेंगे तो नीचे में डिस्टेंस r/2 का स्क्वायर होगा, यानी r²/4 नीचे में आएगा, और ये जो नीचे वाला 4 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि चार्ज के बीच का फोर्स बढ़ जाएगा। ऐसे भी सोचिए ना कि अगर डिस्टेंस को हम कम करेंगे, आधा करेंगे, हाफ करेंगे, तो फोर्स इंक्रीज ना होगा 4 टाइम, तो 4 गुना ना फोर्स हो जाएगा। आप लोग पर मैं रेगुलर मेहनत कर रहा हूं और मात्र मतलब 20% भी नहीं, उससे भी कम, यहां दिखेगा कहीं स्क्रीन पे, मात्र उतने कम परसेंटेज के बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। सब बता रहे हो 1/4 टाइम, 1/4 मतलब 4 गुना कम जाना, 1/4 गुना क्या हुआ, 4 गुना कम जाना। तो ऐसे मेहनत करेंगे आप लोग, मेरे मेहनत को इतना मतलब धड़ल्ले से बर्बाद करेंगे आप लोग, बताइए। इसलिए तो कहता हूं कि रेगुलर क्लास कीजिए, टाइमली समय बांध के क्लास कीजिए, टाइमली आइए क्लास में, बिल्कुल दिल लगा के क्लास कीजिए, रोज क्लासेस कीजिए, मन लगाकर क्लास कीजिए, क्वेश्चंस दिल लगाकर बनाइए, रोज लाइव क्लासेस में आइए। लाइव क्लास में आने से इंटरेक्शन हो पाएगा टीचर्स के साथ, शेड्यूल्ड फॉलो हो पाएगा, रूटीन फॉलो हो पाएगा, उसके बाद क्वेश्चंस बनाइए, तभी तो मैं कहता हूं कि पढ़ा करिए क्लास, क्विज लेता हूं उसमें आइए। तो ये चिंता वाली बातें हैं कि मात्र 20% भी नहीं, उससे काफी कम बच्चे बता रहे हैं बस इस सही आंसर, जो कि क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है कि डिस्टेंस हाफ करेंगे तो फोर्स हमारा 4 टाइम हो जाएगा। और कितनी बार हम लोग इसको पढ़े हैं, कितनी बार बनाए हैं डायमेंशन चेंजिंग क्वेश्चन में, कुलाम सुला में या कहीं भी, काफी मुझे इस बात का शिकायत है आप लोगों से। इसको इंप्रूव कीजिए, आप इसको बढ़ाइए, इसको अच्छा कीजिए, आप अपने आप को बढ़ाइए। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो बस यही कुछ बातें थी, मैं बता दिया आप लोगों को कि आगे क्या मैं पढ़ाऊंगा, और साथ साथ में यह भी बता दिया मेरे बच्चों की आगे क्या स्टेप होने वाला है। और बाकी रही बात स्टडी का, तो रेगुलर स्टडी कीजिए। अच्छा एक बात और मैं बोलना भूल गया लास्ट में कि देखो
अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, कोई प्रॉब्लम जैसे कुछ पूछना है, तो उसको जरूरी नहीं कि आप कमेंट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करो, एक बार पूछ दिए काफी है ना। बार बार पूछते हो तो ऑब्वियसली बात नजर जाता है, दिमाग भटकता है, तो गुस्सा डांट तो सुनोगे ही। तो वैसे मत पूछिए, फोन नंबर दिया हूं ना ऑफिस का, उस पर कॉल कीजिए, उस पर कॉल करके पूछिए। कई बार हो सकता है ऑफिस वाले पे कॉल करते होंगे और कोई फोन नहीं उठाते होंगे, तो अगर कोई फोन नहीं उठाए तो उनका वो भी, जैसे कभी खाने लगे, कभी वॉशरूम गए फ्रेश होने गए, कभी कोई और काम आ गया, कभी कभी कोई जरूरी काम आ गया, तो उनका भी उस समय भी फोन नहीं उठता, लेकिन ऐसे तो फोन उठता ही अक्सर। तो उस पर कॉल करके सलाह ले सकते हैं कि सर अगला चैप्टर क्या होगा। जैसे कि जो नए वाले बच्चे आएंगे वो तो चैट बॉक्स में पूछेंगे ही, लेकिन जो अभी रेगुलर वाले क्लास स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं, जो इस क्लास को अभी सुन रहे हैं, लास्ट तक पढ़ रहे हैं, उनको तो ये बातें समझ में आनी चाहिए कि फोन नंबर दिया गया उस पर पूछिए ना। फोन नंबर में क्या पूछने में दिक्कत है, स्क्रीन पर दिखता ही है रोज, उस पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछिए, समझ रहे हैं। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी सारे रेगुलर वाले स्टूडेंट्स, और इम्प्रूव कीजिए अपने आप को। ऐसे काम नहीं चलेगा, इतना मतलब ऐसे अच्छा रिजल्ट आपका नहीं आएगा, थोड़ा अपने आप को और इम्प्रूव कीजिए। तो बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, जल्दी से चैप्टर 2 एंड करके देखिए आगे क्या होता है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।